कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स है वो बर्थ कंट्रोल में कैसे हेल्प करती है। तो यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स की बात करेंगे तो हार्मोनल पिल्स होंगी और उनके अंदर क्या होते हैं बेसिकली, या तो वो प्रोजेस्टेरोन ओनली होंगी या प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में होंगी, ठीक है। और हार्मोनल पिल्स जो है बेसिकली क्या करती हैं, एफएसएच जो है उसको नेगेटिव फीडबैक देती है और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, किलिंग द स्पर्म इन यूट्रस, नो, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही, इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करती है ये, है ना, क्योंकि एलएच, एलएच का सिक्रीशन भी ये लो करवाती है और जब एलएच को लो करवाएगी तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा तो ये जो हॉर्मोन से इनका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम होगा और उससे इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूट्रस जो है वो फर्टाइल हो जाएगा फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ठीक है, क्योंकि यूट्रस को कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हॉर्मोन्स ही प्रोलीफरेट करवाएंगे, जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो बेसिकली ओव्यूलेशन तो प्रिवेंशन होगा ही सही, इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन कैटेगरी को हम कैसा कर देंगे, क्वेश्चन कैटेगरी हम कर देंगे इजी कैटेगरी, क्योंकि अगेन एनसीईआरटी से पिक किया हुआ क्वेश्चन है,